नमस्कार, धानुग आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास सेवन्थ के चैप्टर सेकंड को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, अर्थात चप्पलों का उपहार। तो सबसे पहले इस चैप्टर की जो समरी है वो अपन पढ़ लेते हैं। मृदु इज ए यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मैड्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई विद तापी हर ग्रैंड मदर एंड तथा हर ग्रैंड फादर। मृदु नाम की जो छोटी बच्ची है जो मद्रास के अंदर जो रह रही है अपने दादा दादी के साथ। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस टू मीट हर कजन्स लली रवि एंड मीना। एक दोपहर उसकी जो दादी माँ है उसको उसकी आंट के घर लेके जाती है उसके जो कजिन्स हैं उनसे मिलाने के लिए। तो देखिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन। ए स्माइलिंग रुकुमनीज थ्रू ओपन द डोर। रुकुमनी एक मुस्कुराहट के साथ दरवाज़ा खोलती है। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि और मीना दौड़ के बाहर आते हैं और रवि मृदु को अंदर खींच के ले जाता है। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु रोकते हुए बोलती है कि अरे रुको रुको, मुझे अपनी चप्पल तो उतारने दो, चप्पल तो खोलने दो। सी सेट देम आउट neatly near a pair of large black ones। वह उनको बहुत ही सफाई के साथ एक जो पहले से वहाँ पे चप्पलों की जोड़ी पड़ी रहती है जो ब्लैक कलर की होती है उसके पास अपनी चप्पलों को खोल देती है। Those were grey actually। वास्तव में वो ग्रे कलर की थी विद डस्ट, डस्ट की वजह से वो ग्रे कलर की दिख रही थी। You could see the clear mark of every toy on the front part of each slipper। उस चप्पल की जो आगे का जो हिस्सा था उस पर अंगूठे के निशान बने हुए थे। द मार्क्स फॉर द टू बिग टॉयज वर लॉन्ग एंड स्क्रैनी। और जो मार्क्स बने हुए थे वो लंबे थे और पतले थे। स्क्रोनी मीन्स पतला। फिर आगे देखिए, मृदु डिडेंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हूज स्लीपर्स दे वर। मृदु के पास उन चप्पलों के बारे में सोचने के लिए ज़्यादा समय नहीं था। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड। क्योंकि रवि उसको खींच के जो उनके घर के जो पीछे का हिस्सा था वहाँ पे ले गया। बिहाइंड ए थिक बीटर बेरी बुश। और कहाँ लेके गया उसको? एक झाड़ी के पीछे जिसे करेला टाइप का जो पेड़ था उसके पीछे वो ले गया। देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लाइन विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड। वहाँ पे क्या था देखो, इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल, एक फटा हुआ फुटबॉल था लाइन विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड। और वहाँ पे एक बोरा था जो कि धूल से भरा हुआ था। ले ए वेरी स्मॉल किटन, जिस पे एक बहुत छोटा एक बिल्ली का बच्चा लेटा हुआ था। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल, जो कि कोकोनट का जो खोल होता है उसके अंदर दूध को पी रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग पुअर थिंग सैड मीना। मीना ने कहा हमें ये गेट के बाहर मिला सुबह। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, वे म्याऊं म्याऊं कर रहा था। पुअर थिंग बेचारा। इट्स अ सीक्रेट, यह एक रहस्य है, एक राज की बात है, सीक्रेट है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस इफ सी नोज वी हैव ए कैट। कि अम्मा ऐसा कहती है कि अगर दादी को पता चल गया कि हमारे पास एक बिल्ली है तो वो पद्दू मामा के घर के लिए रवाना हो जाएगी। People are always telling us to be kind to animals। लोग हमें हमेशा जानवरों के प्रति दयालु बनने के लिए कहते हैं।
बट वेन वी आर, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, जब हम दयालु बनते हैं, दे स्क्रीम, तो वे चिल्लाते हैं, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, सैड रवि। रवि ने कहा है कि इस गंदे जानवर को यहाँ लेकर मत आओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, क्या तुम जानते हो कि किचन से, रसोई से इसके लिए दूध लेकर आना कितना मुश्किल काम है। पाथी सा मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, पाथी ने अर्थात मेरी दादी ने मेरे हाथ में एक दूध का गिलास देख लिया अभी अभी। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, तो फिर मुझे उसको झूठ बोल के बोलना पड़ा। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसको पीना चाहता हूँ। बट द वे सी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुझे देखा, मेरी तरफ देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, तो मुझे इसमें से अधिकतर दूध को वहीं पीना पड़ा। टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, इसका मतलब होता है उनको, उनका ध्यान भटकाने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए मुझे ज़्यादातर दूध उसमें से अधिकतम दूध वहीं पीना पड़ा। देन सी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, फिर वो वापस उस टम्बलर, टम्बलर का मतलब यहाँ पे गिलास ही है, वो गिलास वापस चाहती थी। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, तो उस मैंने कहा कि दादी दादी रुको, मैं खुद इसको धो लूँगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर, मैंने उनको बोला कि मैं आपको क्यों परेशानी में डालूँगा। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इन टू द कोकोनट शेल एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर सी गॉट रियली सस्पिशियस, अर्थात मुझे दौड़कर जाना पड़ा और इस कोकोनट शेल के अंदर, कोकोनट नारियल का जो खोल है इसके अंदर मुझे दूध को डालना पड़ा और दौड़कर इसको धोना पड़ा और इसको अपने स्थान पे वापस रखना पड़ा। उनको वास्तव में संदेह ना हो जाए उससे पहले पहले मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब हमें महेंद्रन को दूध पिलाने के लिए कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, महेंद्रन इस छोटे बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु प्रभावित हुई है सुनकर। इट वॉज अ रियल नेम, ये तो वास्तविक नाम है, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, एक मासूम से बिल्ली के बच्चे के जैसा नाम बिल्कुल भी नहीं है ये। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई, वास्तव में इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई है। एम पी पुनई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम इसको शॉर्ट में एम पी पुनई बोल सकती हो। हिज फाइन ब्रीड ऑफ कैट है, यह एक बिल्ली की अच्छी प्रजाति है, ब्रीड का मतलब नस्ल, यह बिल्ली की एक अच्छी नस्ल है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके बालों की तरफ देखो, लाइक ए लॉयंस मैन, बिल्कुल एक शेर के गर्दन के बालों की तरह हैं। एंड यू नो व्हाट द एम्ब्लेम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स वॉज, तुम तो जानती हो जो प्राचीन जो पल्लव राजा थे उनका प्रतीक क्या था, डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उसने मृदु की तरफ ऐसे आशान्वित दृष्टि से देखा। मृदु गीगर, मृदु हंसी, थिंक आई एम जॉकिंग, वेल जस्ट वेट, तुम्हें क्या लगता है मैं जॉक कर रहा हूँ। आई विल शो यू सम टाइम, कभी मैं तुम्हें दिखाऊँगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये तो स्पष्ट है कि तुम इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानती। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू, क्या तुमने कभी महाबलीपुरम की यात्रा की है। ही सैड मिस्टीरियसली, उसने रहस्यमय तरीके से पूछा। वेल अच्छा, वेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी, आई सा अ स्टैचू ऑफ हिज
थताज 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 एटसेट्रा एटसेट्रा। तब रवि ने कहा कि जब हमारी क्लास जो हमारी कक्षा महाबलीपुरम गई थी तो मैंने वहाँ पे उनके स्टैचू देखे थे, उनके दादाओं के दादाओं के दादाओं के स्टैचू अर्थात उनकी प्रतिमाएं देखी थी, ऐसे वो बता रहे। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।